फिल्म जर्नलिस्ट जो है फिल्मों के बारे में लिखते हैं, कभी कभी फिल्मों के बारे में लिखते लिखते वो फिल्म भी लिखना शुरू कर देते हैं। और ऐसी ही जर्नलिस्ट आज हमारे साथ एक स्टूडियो में है, पम्मी सोमल। इनकी फिल्म न जाने कब से रिलीज होने को है, फ्राइडे को रिलीज हो रही है। शी इज द राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एज शी सेज नाउ ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द फिल्म। तो प्लीज वेलकम पम्मी सोमल अलॉन्ग विद द टू हीरोज शरद सक्सेना एंड गुरप्रीत घोकी। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल, माई प्लेजर टू। फिल्मों के बारे में लिखते लिखते फिल्म लिखने का शौक कब से हो गया, ये मत कहना ना जाने कब से। Yeah, I know, that's a good answer. But you know, मैंने फिल्मों के बारे में इतना नहीं लिखा जितना मैंने फिल्म वालों के बारे में लिखा। अच्छा, मतलब मैंने कभी फिल्म रिव्यूज नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखा, बट आई रोट गॉसिप एंड नेचुरली फिर माइंड इज वेरी फर्टाइल व्हेन यू राइटिंग गॉसिप, सो ऑब्वियसली मुझे राइटर भी बनना ही था। या बट मैंने काफी टीवी शोज भी लिखे थे फॉर संजय वाधवा एंड नीना गुप्ता एंड मनीष गोस्वामी। तो बेसिकली आई थिंक फिल्म मैंने बनाई है उसी लिए, बिकॉज आई वांटेड टू राइट, आई हैड समथिंग टू से। तो गॉसिप लिखना ज्यादा इजी था या फिल्में लिखना, क्योंकि इससे पहले आपने मम्मी पंजाबी भी बनाई है। हाँ जी। अब ये आपकी दूसरी फिल्म है, तो व्हाट इज इजियर? आई थिंक राइटिंग कम्स वेरी इजिली टू मी, ऑनेस्टली। यू नो आई सम, जब मैं लिख रही होती हूँ तो मुझे एक्चुअली लगता है कि सम सुपर पावर इज देयर एंड आई जस्ट राइट। लाइक पीपल से कि दे टेक टू थ्री इयर्स टू राइट अ स्क्रिप्ट एंड ऑल, आई थिंक डायलॉग्स कम वेरी इजी टू मी। या आई एंजॉय, मैंने दोनों चीजें बहुत एंजॉय की। Basically, I enjoy everything I do. Very nice. Otherwise, you don't do it. Yeah, otherwise you don't do it. Sharad ji, आपकी इनसे पहले मुलाकात थी जब ये फिल्म जर्नलिस्ट थी, या आपकी मुलाकात एज अ फिल्म मेकर ही हुई इनके साथ? नहीं जी, हम लोग एक ही जगह रहते थे, एक ही कॉलोनी में। अच्छा, तो हमारी इनसे मुलाकात ऑलमोस्ट अबाउट 30 साल की होगी। ओके, नेबर्स। तो नेबर आपको ये फिल्म मिली है कि पता नहीं, बहुत दूर चले गए, वो तो पता नहीं। लेकिन इन्होंने लिखना बहुत पहले शुरू कर दिया था, एंड शी हैड बिकम अ जर्नलिस्ट एंड अ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, वेरी वेल नोन इंडीड। एंड देन आई केम टू नो दैट शी इज आल्सो राइटिंग टीवी सीरियल्स, एंड देन वन डे आई केम टू नो दैट शी इज राइटिंग अ फिल्म एंड डायरेक्टिंग इट, एंड देन फाइनली वन डे शी केम टू माई प्लेस एंड शी आस्क्ड मी टू वर्क इन हर न्यू फिल्म एंड आई सेड आई विल बी ऑनर्ड टू, एंड I started working in a film. आपके बारे में कभी गॉसिप छापा इन्होंने? नहीं जी, हम लोगों के बारे में गॉसिप नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैं आई वाज गॉट इनटू फिल्म जर्नलिज्म, तो मैं सबसे पहले शरद जी के घर गई थी। ही इज अ वेरी गुड कुक एंड ही इज अ सिविल इंजीनियर, यू नो। सो इनके घर गई, ऐसा शरद जी मैं जर्नलिस्ट बनने जा रही हूँ एंड मुझे कैसे लिखना चाहिए, मतलब लोगों के बारे, हाउ डू एड्रेस पीपल। He said, anybody, चाहे राम जी हो श्याम जी हो, आप जी जरूर लगा देना फिल्म इंडस्ट्री में। गुड लेसन, यहाँ जी लगता ही है, गाली भी देनी हो तो जी के साथ देते हैं। एंड गुरप्रीत जी कैसे आए इस फिल्म में? यू नो, मैं बहुत चाहती थी कि गुरप्रीत जी के साथ काम करूं, बिकॉज कौन नहीं चाहता है, ही इज सो गुड विद दिस कॉमेडी। दीस टू आर माय फेवरेट, शरद जी एंड गुरप्रीत गोखी जी, एंड आई वुड लव टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन। So I wanted him in this particular role. It was a very comic role of the hero's friend. And मैंने जब इनको कहा तो इन्होंने मम्मी पंजाबी के बारे में सुना हुआ था, कहते पहले तो वो फिल्म मेरे को दिखाओ। तो I think I couldn't show that, but he just came on board and I enjoyed. In fact, I feel sad that I could not do so much more with his role because a wonderful character, you know, he had. गुरप्रीत जी, आपका character क्या है? कैरेक्टर सर एज यूजुअल जैसे पंजाबी होते हैं, थोड़ा थोड़ा जॉली, थोड़ा हेल्पफुल, थोड़ा जॉयफुल, थोड़ा लाइवली। तो कैरेक्टर ही इतना अच्छा था, उसमें बहुत ज्यादा मुझे अपने इनपुट्स देने नहीं पड़े, यानी कि रेडीमेड मटेरियल इतना अच्छा दे दिया इन्होंने। क्योंकि इनको मैं पहले पढ़ता तो था, पेपर में इनको पढ़ता था, लेकिन इनकी राइटिंग का मैं कायल हो गया देख के, वो सारा इनका जो स्किल है लिखने का। इन्होंने डायलॉग के बारे में भी बात की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पिक्चर में स्क्रीन प्ले। जी, तो स्क्रीन प्ले का भी जो इनको सेंस है वो बहुत कम लोगों को उतना अच्छा होता है, आई लाइक दैट। तो मेरा कैरेक्टर इन्होंने रेडीमेड मुझे इतना अच्छा दे दिया कि उसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स मुझे देने नहीं पड़े। और एक्चुअली मैं मम्मी जी अभी तक देख नहीं पाया, मम्मी पंजाबी, लेकिन मैंने उसके बारे में इतना सुन लिया था, तो मैं भी चाहता था कि कभी पम्मी जी से मिलूं और इनसे काम करने का, इनके साथ कभी मौका मिले। एंड आई गॉट अ वेरी गुड चांस इन दिस न जाने कब से, ऑल थैंक्स टू पम्मी जी।
पम्मी जी की मम्मी जी यानी मम्मी पंजाबी जो थी लोगों को पसंद आई थी मगर बॉक्स ऑफिस पर वो चल नहीं पाई. आपने कभी एनालाइज किया है ऐसा क्यों हुआ? नहीं मैं बताती हूँ बिकॉज इवन जस्ट रिसेंटली समबडी टोल्ड मी दे वांट टू रीमेक इट इन सम अदर लैंग्वेज व्हिच इज रियली एन ऑनर. एक तो बॉडीगार्ड के साथ रिलीज की ऑफकोर्स नोबडी कैन कम्पीट विद सलमान खान इज माई फेवरेट टू. एंड सेकेंडली आई थिंक टू प्रमोट अ फिल्म यू नीड लॉट ऑफ मनी. And very honestly, on this platform, I'll say that I didn't know what kind of money. मुझे ये नहीं पता था कि रेडियो पे गाना चलाने के लिए भी पैसे खर्चने पड़ते हैं. मैं सोच रही विविध भारती Nothing comes for free. See, I come from the school of thought कि अच्छा गाने तो चलते हैं, उनको भेज देंगे सीडी, वो गाने चलाएंगे. So all these things came as a surprise, and I was not initially prepared for this as a producer. But now I'm well equipped for next film. I know what I have to do. तो इस फिल्म के प्रमोशन में आपने मतलब जहाँ पैसे देने हैं पैसे दे दिए हैं? हाँ जहाँ देने हैं जितने मेरे पास थे मैंने सब लगा दिए. तो ये पैसा मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रही है आप ही का पैसा है या फाइनेंसर का पैसा है? What is it? How does it? It's my. I'm the producer of the film. नहीं producer मगर finance. Yeah, I have people putting in some bit, then I put in my own bit. You know so. डायरेक्शन करना इज अ फुल टाइम जॉब. फिर आप राइटर भी है, फिर आप प्रोड्यूसर भी है, अब आप रिलीज भी कर रही है, तो आप इतने सारे डिपार्टमेंट्स कैसे हैंडल करती हैं? आई हैव अ गुड टीम इन माय ऑफिस. एंड सेकेंडली आई थिंक मैं इवन व्हेन जब मैं लिखती थी अपना रेज्यूमे लिखती थी, आई शुड राइट वर्क्स 48 आवर्स अ डे. सो 24 आवर्स में से मैं 48 आवर्स का काम निकाल लेती हूँ. मतलब रेस्ट बहुत लेती हैं आप. नो आई थिंक व्हेन यू आर एंजॉयिंग जो आप कर रहे हो आप एंजॉय कर रहे हो वो दिखता भी है. शरद जी आपके रोल के बारे में कुछ बताइए इस फिल्म में. अपना ऑर्डिनरी नॉर्मल रोल है. नॉर्मल को ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे करते हैं वो आपसे ही सीखना पड़ेगा. कैरेक्टर ऑर्डिनरी है लेकिन परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ये देखिए हीरोइन के बाप का रोल है. अच्छा वेरी पोजेसिव फादर. ओके जो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी की शादी एक ऑर्डिनरी आदमी से हो. मतलब आप ऑर्डिनरी या चलेगा मगर वो लड़का ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. तो बस उसी को किया है. इन्होंने डायलॉग अच्छे लिखे थे तो मजा भी आया करने में. एंड वैकी कैरेक्टर. ओके और गुरप्रीत जी और आपके साथ के सीन्स हैं कि एक सीन है सिर्फ एक सीन? आई थिंक सो. नहीं दो सीन. दो सीन है. जेम्स बॉन्ड वाला भी और वो दोनों बोथ आर वैकी सीन्स. इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू वर्क विद शरद जी इन दोस टू सीन्स. तो एटलीस्ट इन दोनों में एक सीन तो यहां हो जाए. एक सीन तो हो जाए. आई एम श्योर आप डायलॉग की दोनों जने डायलॉग की इतनी तारीफ कर रहे तो डायलॉग्स तो आपको याद होंगे. एक सीन तो ना करके हो जाए. वो अकेले यही सुना देंगे जेम्स बॉन्ड वाला उसमें सब कुछ आ जाए. वो क्या है कि साहब मैं डिस्गाइज में एक पार्टी में आता हूँ जहाँ अनइनवाइटेड है. हाँ अनइनवाइटेड है. माय डॉटर डजंट वांट मी टू कम देयर. अच्छा बट आई कम देयर इन डिसगाइज. एंड जैसे ही मैं घुसता हूँ एक वेटर आके खड़ा हो जाता है ड्रिंक लेकर के. एंड ही वांट्स टू नो हु आई एम. सो आई स्पीक टू हिम. ही सेड ना पेरु बोंडू जेम्स बोंडू ना दग्गरा ये और ना छंपे लाइसेंस उन्नी. उसको समझ में नहीं आता है तेलुगु में. सो देन आई रिपीट इट इन इंग्लिश. My name is Bond, James Bond, and I have a license to kill. फिर भी समझ नहीं आता. फिर मैं हिंदी में बोलता हूँ. मेरा नाम है बॉन्ड जेम्स बॉन्ड. मेरे पास कत्ल करने की इजाजत है. वेटर गेट्स टोटली डिस्गस्टेड एंड वॉक्स अवे. ना पेरू बॉन्डू जेम्स बॉन्डू. क्या सर? My name is Bond, James Bond. सर मैं कुछ समझा नहीं. मेरा नाम है बॉन्ड जी जेम्स बॉन्ड. मेरे पास कत्ल करने की इजाजत है. You know, he plays the kind of father कि बेटी को ऐनक वैनक यू नो एकदम धब्बे कपड़े पहना के ताकि कोई लड़का ना उसकी तरफ देखे. थोड़ी बदसूरत ही बना के भेजी. हाँ तो हैरान हो जाते हैं कि तेरे फिर भी तेरे को कैसे पसंद कर लिया वो हीरो ने. यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एक्चुअली. ना जाने कब से ऐसा टाइटल. इट्स अ लिटिल अनयूजुअल. Yeah, no, earlier we had titled it, Kab Se Sambhale Rakha Hai Dil. I loved that line from Raj Kapoor's film. Correct. Kal Aaja Kal. Correct. And, but we changed it because bahut lamba title tha. People told me, distributors told me, bahut lamba hai. Aur pehle ek zamana tha jab fashion thi lambe titles ki. So, this is a story about this boy. Wo, Gary Gill is playing the character, Karan Bajaj. Jo bartender reh chuka hai, waiter reh chuka hai. Abhi wo business tycoon ban gaya. But he still feels like a loser. Achha. And now he has to, under some clause in a contract with Lil Dubey, he has to marry a rich girl. You know, he has to get married and bring the girl to that resort. और अगर rich लड़की से शादी नहीं करते तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. हाँ, और ये जो लड़की है, ये बहुत hyperactive है.
She's a very bubbly character and he's a tragedy king, she's a drama queen. So there's a clash of values and thoughts and ideas between the both the characters, which is quite interesting. अच्छा, तो ये किसी फिल्म से इंस्पायर होके लिखी है आपने? आपकी ओरिजिनल? मेरी सारी राइटिंग्स कोमल ओरिजिनल होती है. गॉसिप भी ओरिजिनल थी? नहीं होती थी तो भी मैं लिख लेती थी. आई एम वेरी ओरिजिनल राइटर. इतना कुछ है लाइफ में देखने के लिए, सो मेनी एक्सपीरियंसेस यू गो थ्रू, सो मेनी कैरेक्टर्स यू नो यू सी इन लाइफ. आई डोंट थिंक यू नीड टू कॉपी फ्रॉम समबडीज वर्क सीरियसली. तो आप किस किस्म की डायरेक्टर हैं? आप इनैक्ट करके आपके स्टार्स को समझाती हैं या आपके स्टार्स को सीन समझाती थी एंड देन यू लीव इट टू देम? नो, आई टेल देम व्हाट द कैरेक्टर इज फीलिंग एंड मैच्योर एक्टर्स लाइक कुगी जी एंड शरद जी, दे डोंट हैव टू बी टोल्ड बिकॉज़ वंस दे नो व्हाट द कैरेक्टर इज अबाउट एंड दे डू लॉट ऑफ डिस्कशंस व्हिच आई रियली एंजॉय एंड दैट्स इट. And new actors, you have to, like Amrita Prakash is a professional, you know, I didn't have to tell her much. But Gary being new, I had to explain to him the character and he got into it very well. He's done a good job. But nahe actor ko lene ka, matlab, risk nahi tha? Suppose he wouldn't have been like what you had expected him to be? You know, sometimes you have a budget, jis mein aap, okay. You know, it also, these are all, actually it's all about money, honey. That's what I feel. Ki paisa jada hai, toh aap badi picture bana sakte ho, paisa jada nahi, I think that's the case. पम्मी जी, आपकी फिल्म एक्चुअली पहले फोर्थ को रिलीज होने वाली थी, देन यू पोस्टपोन्ड बाय टू वीक्स. कोई विशेष कारण? यू नो बिकॉज इनिशियली व्हाट आई वाज टोल्ड वाज दैट आई मेट सम ऑफ द थिएटर पीपल, दे टोल्ड मी हैवी बुकिंग चल रही है रावण की भी सेकंड वीक में भी. सो आई थॉट व्हाई यू नो बिकॉज मम्मी पंजाबी के साथ ऑलरेडी हैड सफर्ड दैट, सो आई सेड लेट मी प्ले इट सेफ दिस टाइम, यू नो इट्स नॉट राइट टू डू इट. सो आई स्पोक टू माय डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे टोल्ड मी 18th was a good day and I said why not? 18th ko koi badi film nahi, koi badi film nahi hai. Rockstar release ho gayi, 25 ko Desi Boys ho gayi, 18 ko actually khali. I'm in between here. Sharad ji aur Gurpreet ji, aap se puchna hai, jo heroes hote hain ya heroines hoti hain, they are generally not very replaceable, you know. Agar iske liye likhi hai to phir Akshay Kumar ke liye likhi to Akshay Kumar hi hoga. Ek ya do replacements mil sakte hain, lekin character actors ke liye har role ke liye 10 15 20 log hote hain. To aap logo ke paas jab film aati hai, what decides whether आप करेंगे या नहीं करेंगे? ये इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो डेफिनेटली वापस तो मुड़ के नहीं आएंगे, पैसे अगर ज्यादा मांग लूंगा तो वापस मुड़ के नहीं आएंगे क्योंकि 10 लोग और कर सकते हैं. तो हाउ डू यू डिसाइड वेदर यू ऑट टू डू दिस फिल्म या नॉट? मैं तो शक्ल पे जाता हूं. अच्छा, अगर इत्तेफाक से इसी वीक आपके साथ फिल्म रिलीज हो रही है, शक्ल पे मत जा. गुड वन, गुड वन कोमल जी. अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अच्छा लगा तो उसके साथ काम करते हैं, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करते. तो पम्मी जी की शक्ल आपको अच्छी लग गई? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. I don't make any discriminations there. If I like a person, I work for him. If I don't like a person, I don't work. Okay, मतलब सबसे जरूरी है कि आप उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए. सब शूटिंग शुड बी लाइक अ पिकनिक. Correct. You have to enjoy yourself when you're working. Correct. If you're not, if you foresee anything which says that, okay, this shooting will not be fun, then avoid. You might as well not avoid the situation. और कभी कभी पैसे के लिए, पैसे मतलब पैसों को लेकर कुछ discussions ज्यादा हो जाते हैं, where you have to leave a film because वो भी छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, पैसों के लिए भी छोड़ देते हैं. तो हम समझ लीजिए 10 पिक्चरों की ऑफर आती है तो हम शायद ज्यादा दो करते हैं. अच्छा, मतलब 8 यू रिजेक्ट ऑन सम ग्राउंड ऑफ द अदर. सम ग्राउंड ऑफ द अदर बिकॉज आई टेल यू फ्रेंकली, होल लॉट ऑफ ऑफर्स कम इन एंड यू कैन सी ऑन डे वन द मोमेंट यू मीट द पीपल दैट दिस मूवी विल नेवर बी मेड. करेक्ट. और इसमें कुछ मजा होने वाला नहीं है. द राइटिंग इज बैड, द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी बैड, द प्रोडक्शन क्वालिटी इज गोइंग टू बी बैड. यू कैन आई मीन यू कैन मेक आउट. तो फिर ऐसे फिल्मों के साथ जुड़ो नहीं, वही बेहतर है. फायदा क्या है? और मेरा फंडा, मेरा फंडा भी कोमल जी, सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं. पिक्चर जैसे आपने कहा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, ये एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है ये पिक्चर बड़ी है या छोटी. बड़ी बड़ी पिक्चरें भी हमने छोटी होती देखी है, एक दिन में सिमट जाती है वो पिक्चरें. तो छोटी बड़ी बाद में पता चलता है, सबसे पहले कंफर्ट लेवल होना चाहिए. और मेरा जो पहला फंडा, दूसरा फंडा सर, कैरेक्टर के साथ मेरा एक रिलेशन मुझे नजर आना चाहिए जो मुझसे करवाया जा रहा है. Correct. या जो करवाना चाहते हैं वो कन्विक्शन है कि नहीं उसमें, मैं कर पाऊंगा कि नहीं. और तीसरा जो है सर, क्योंकि आई एम मोर बिजी विद पंजाबी सिनेमा,
तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा, मेरा बड़ा सर्कल भी नहीं है, अपने सर्कल में मेरे लोग मुझे मिलते हैं। ये तो साथ हिंदी ऑडियंस के साथ उन्होंने क्या फील किया है? नहीं सर, वो अच्छी अच्छी दुकानदारी चल रही है सर उधर, इसलिए मैं उस लाइन को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मगर आप भी 48 आवर्स काम करना शुरू कर दीजिए ना इनकी तरह। नहीं सर, ये मेरे उधर भी कर सकेंगे और इधर भी कर सकेंगे। ये सर मेरे से 12 आवर्स कम काम कर रहे हैं, मैं 60 घंटे काम करता हूँ, तो मैं क्यों पीछे आऊँ सर अभी थोड़ा सा, है ना। साल की कितनी पंजाबी फिल्में कर लेते हैं? ये मत कहना सारी। नहीं नहीं, जो ऑफर होती है सर वो गिनेंगे तो सर 20 होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं 5-6 कंफर्टेबली कर पाऊंगा, तो जो अच्छी होती हैं 5-6 मैं पंजाबी पिक्चरें करता हूँ। अभी भी मेरी 2 रिलीज पे हैं और 2 फ्लोर पे हैं, 2 अभी शुरू होने जा रही हैं। इस साल का कोटा मेरा पूरा हो चुका है। और हिंदी में सर जो मेरा अपना एक सर्कल छोटा सा है, बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, अक्षय भाई के साथ मेरे अच्छी दोस्ती है, ही इज माय फ्रेंड, तो उनकी मोस्टली करता हूँ मैं पिक्चर्स। पम्मी जी का मैं जैसे आपको कहा था कि मैंने इनकी पिक्चर के बारे में जितना हाईली सुना था, मैं अभी तक इन्होंने दिखाई नहीं मुझे वो पिक्चर मम्मी पंजाबी। तो उसी दिन से मैं चाहता था, जिन लोगों ने तारीफ की थी वो सुनने के बाद मुझे लगता था कि इनके साथ मुझे जरूर काम करना चाहिए, एंड आई गॉट अ वेरी गुड चांस इन दिस मूवी। सो पैसा भी सर उसमें मैटर करता है, कई बार आप पैसे के लिए भी करते हो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सर कुछ पिक्चरें हमने पीनट मनी के लिए भी की हैं कि ये बंदा अच्छा है, फिल्म अच्छी है, कैरेक्टर अच्छा है, तो ये करना है। और आई स्वेयर टू गॉड सर, बहुत सी पिक्चरें हमने बहुत अच्छे पैसे पे भी मना की हैं कि ये करेक्टर सूट नहीं करता या एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर वाली बात नहीं है, ये काम करना। दैट्स वेरी नाइस टू नो। एंड पम्मी जी आखिरी सवाल, वॉट मतलब क्या सोच के आप एक फिल्म शुरू करती है? वेयर डज द जर्म ऑफ द आइडिया कम फ्रॉम? मतलब आपके जहन में होता है या कुछ पढ़ के आता है, मतलब हाउ डज अ फिल्म टेक बर्थ? यू नो मैंने आई स्टॉप रीडिंग नॉवेल्स इन कॉलेज, एंड आई मोस्टली रीड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, मैं सेल्फ नॉलेज अच्छा। वाली बुक्स पढ़ती हूँ, सो आई कांट से कि मैं किसी नॉवल से लिया इंस्पायर्ड हूँ। बट जैसे मैंने बोला कि जिंदगी में इतना कुछ देखने को मिलता है, सो मेनी फनी फनी कैरेक्टर्स यू मीट, यू नो पीपल यू मीट, and all the time my mind is working on stories and scripts. I mean, I've got at least 21 to 22 bound scripts in my cabin. Really? And I really hope, मैंने बोला था, मैंने कहा यहाँ तो अच्छी से बनाऊंगी, यहाँ फिर when I'm old and grey and my rocking chair, I will read them. But I will not give it in the hands of somebody who will ruin it. I always felt, because your script is your baby. You start from zero, from a blank paper, you know. Correct. So you get very sentimental about it. So ideas तो आती रहती हैं. When you're sitting, you know, once I remember I was sitting very quiet, and my father told me, why are you so quiet? What are you thinking? I said, नहीं, मुझे सोचने के भी पैसे मिलते. इसलिए मैं सोचती बहुत. That's true. Very true. Very true. Yeah. I must tell you, in Punjab, the distributors, you know, when they asked me what's the film about, तो मैंने बोला कि ऐसे comedy है, romantic comedy है, और नया लड़का लड़की है, तो बोले अरे क्या बात कर रहे हो, आपके पास गुगी जी है? अरे कनाडा नहीं बोलिए, कनाडा, कनाडा, अमेरिका, अमेरिका, कनाडा। That's very nice. तो आपकी कनाडा में तो चलेगी चलेगी पिक्चर। चलेगी, because he was my neighbor, but I could never dare to offer him anything that was not A plus level, you know, like. So I was waiting to work with him. I really wanted to work with him. In the meantime, वो आपसे दूर चले गए, लेकिन वापस आप करीब लेके आए। This particular character I knew only Sharad ji can do it. Yeah. Very nice. Thank you so much for being on the show. And let's just hope कि आपकी फिल्म को ओपनिंग भी मिले and लोग अप्रिशिएट भी करें. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.